सहाबी थे, उनका ना बच्चा बेटा जो था ना वो गुम गया ना, तो कुछ दिनों से उनकी वो जो वाइफ थी उन्होंने खाना भी नहीं खाया, बहुत परेशानी थी। तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, सहाबा भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने जो है अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाएं, मेरा बेटा नहीं मिल रहा ना। तो एक सहाबी ने उनको कहा कि वो फलानी जगह पर ना बच्चों के साथ खेल रहा था। तो ये सुन के वो उठ के खुशी से जाने लगे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया और कहा कि इरशाद फरमाया कि आपके बेटे का नाम क्या है, तो उसको उसके नाम से पुकारना। तो वो जो साहबी थे उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने अरसे से मैंने, इतने टाइम से मैंने बेटे को नहीं देखा, तो इसमें क्या मसलहत है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है, तो तुमने इतने टाइम से अपने बच्चे को नहीं देखा, तो जब भी तुम उसको इतने प्यार से बेटा बोलोगे ना, तो हो सकता है वो कुछ यतीम बच्चों के बीच में खेल रहा हो, तो किसी यतीम बच्चे को अपना बाप याद ना आ जाए। अल्लाह, इसलिए उसको उसके नाम से पुकारना, वो इतने प्यार से तुम जब उसको बेटा बोलोगे ना, अल्लाह ये अब ये मयार है जी।